डिप्टी स्पीकर ऑफ तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एक्सले आचार्य येसी फुनसोंग ने जिला मंडी में पत्रकारों की बातचीत करते हुए कहा कि चीन को तिब्बत में कब्जा किए हुए 62 वर्ष होने जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन देश पर्यावरण और जलवायु के साथ छेड़छाड़ करके भारत देश को नुकसान पहुंचा रहा है। आज यहाँ आप लोगों के समक्ष में प्रेस वार्तालाप जो है, एक तो विशेष करके जो चाइना ने जब से तिब्बत को कब्जा किया आज 62 वर्ष होने जा रहा है और संघर्ष जारी है पूरे विश्व भर में। आज तिब्बत के संघर्ष के समर्थन में पूरे एक विश्व व्यापक बने हैं और अनेक समर्थकों की ओर से और सदन में अनेक प्रस्ताव पारित किया है। और फिर भी जब तक तिब्बत के समस्या का समाधान नहीं होंगे तब तक आज पड़ोसी देशों के लिए, विशेष करके जो तिब्बत से पड़ोसी देश हुआ करता था और तिब्बत से पर्यावरण से जो संबंध होता था, जलवायु जो, तो वो चाइना ने आज उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। और साथ साथ चाइना ने तिब्बत को कब्जा करने के पश्चात ये विशेष करके भारत के सीमा में और भारत के पड़ोसी देशों को उकसाना और हमेशा भारत के देश के लिए कभी ना कभी कोई यहाँ एक राजनीतिक तौर पे सीमा के लिए हस्तक्षेप करना, तो ये आज जैसे दोकलाम हुआ है, गलवान हुआ है, फिर बासठ में छुशुल हुआ है और आपके नाथोला जो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में बीच में इन्होंने गांव बसाया और अनेक डैम बनाने के बाद जो नदियां जो है एक तरफ से मोड़ रहा है और कुछ नकली डैम बना के भारत को के ऐसा कभी कभी आपातकाल में भी ऐसी परचू लेक जैसे है, वर्तमान में उत्तराखंड में भी ऐसा परिस्थिति हुआ है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि चाइना सेना का साथ भी और सैनिकों के साथ भी और पर्यावरण के साथ भी वो छेड़छाड़ करके भारत के लिए नुकसान कर रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया इन पर नाराज है। कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया, पूरा एक वर्ष पूरा विश्व को बंधक बना दिया और पूरे विश्व में इस तरह की जीवन कभी द्वितीय महायुद्ध में भी हुआ नहीं, जो आज ये चाइना ने बनाया हुआ जो कोरोना वायरस फैलाया और विश्व के अपने हेल्थ यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि चाइना जाने के बाद भी असली जो है वो असलियत उनको जानने को अवसर नहीं दिया, नहीं मिला, रिपोर्ट नहीं दिया, तो खाली हाथ वापस आया।